हे गाइस, तो अभी हो रहे मॉर्निंग के 4:10 और मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है मुंबई से बेंगलोर। तो आपको सारी डिटेल्स मैं देती रहूँगी। अभी है मेरे 4:10 हो चुके हैं, 5:30 की बस है, बैग भी पैक हो चुका है, एकदम रेडी, बस अब निकलने की देरी है। सो गाइस, हम तो हो गए थे रेडी, बट अभी अभी कॉल किया बस को, तो पता चला कि कॉल बस हो गई है लेट। मैंने जैसे कहा था 5:30 की बस है, अब हो रहा है 5:42 और बस हो गई है लेट, इन द सेंस ख़राब हो चुकी है। तो अब कितने बजे बनेंगी कोई आइडिया है नहीं। उन्होंने बोले वो लोग कॉल करके बता देंगे, तो अब वेट करने का कोई ऑप्शन है नहीं। सो गाइस, आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग तो हो गई है, बट बस का कुछ अता पता है नहीं। अभी मॉम एंड डैड गए हैं नीचे देखने के लिए कि क्या होगा, ये हो क्या रहा है। तो हमारे घर के नीचे ही बस सेंटर है, वहाँ पे पूछने गए हैं। अभी सुबह सुबह अभी हो रहा है 6:15 होके गए, मतलब 6:20 के अराउंड हो रहा है, और 5:30 की बस थी हमारी। अब जितना लेट होगा उतना लेट ड्रॉप भी होगा। हम लोग को जल्दी से जल्दी उधर पहुँचना है, और लेट पे लेट होते जा रहा है, अब पता नहीं क्या चल रहा है। बट येस, अब देखते हैं मम्मी का कॉल आएगा अगर, तो मुझे या तो नीचे जाना होगा या तो वो लोग ही ऊपर आएंगे। बता दो धीरे धीरे अपडेट्स। फाइनली बस का कॉल आ गया और हम लोग पहुंच चुके हैं काशीमीरा के हाईवे पे, और हमारी बस आने ही वाली है ऐसा कॉल पे तो बोला गया, अब देखते हैं। सो फाइनली आ गई हमारी बस। ये है बस के अंदर का व्यू, इतनी बड़ी बस है और यहाँ पे ऐसे पतले पतले से बेड थे, सोफे से भी ज़्यादा पतले थे ये बेड। और यहाँ पे है बॉटल स्टैंड, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थे ये। और ये है बेडशीट दी हुई है एक, और उसी में एक पिलो टाइप में थोड़ा ऊपर कर दिया है बस, और उसको पिलो बना दिया है। और ये है बाहर का व्यू। Hey guys, तो फाइनली मुझे मेरी सीट मिल चुकी है और मैं बैठ चुकी हूँ अपनी सीट पे। इतना जूम लेके मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, आजू बाजू ऊपर नीचे आवाज़ ना जाए किसी को, और मेरे सर पे एसी चालू तो आपको भी प्रॉपर मेरी आवाज़ जाए किसी को। हाँ, फाइनली बस चल चुकी है और हम लोग बैठ चुके हैं। ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा, 11:30 की बस मिली है हम लोग को, 5:30 का वेट करते करते 11:30। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, अब पैर फैला के सिर्फ सोना है मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अब सर पे एसी भी चालू है ऑलरेडी, तो और क्या चाहिए जब बेड है और एसी है और बेडशीट है, और कुछ नहीं चाहिए, सो जाते हैं। चाय पीने के लिए बस रुकी तो मैंने आइसक्रीम ले ली, क्योंकि वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद हम चल दिए, ज़्यादा टाइम के लिए बस रुक नहीं रही थी, इसलिए अभी हमें बस में ही टाइम पास करना था पूरा दिन, 24 आवर्स। ये जो बस की बेडशीट है ये काफ़ी मोटी सी है, ताकि एसी की हवा से ठंड ना लगे। बट ये जो पिलो है ये बहुत ज़्यादा कड़क था और बहुत ज़्यादा हैवी, सर दुखने लग गया था, बस एसी काम की थी। और ये जो लाइट्स है ये वर्क नहीं करती गाइस, बस शो ऑफ के लिए लगा के रखा है बट वर्क नहीं करती है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं था, खा लिया पी लिया बाहर निकल गया, आइसक्रीम खा लिया, अब बस एक ही ऑप्शन था हमारे पास सोने का, बाहर कितना ही व्यू देखेंगे। तो मैंने अब प्लान किया कि मैं वापस सो जाती हूँ, क्योंकि पूरी रात नहीं जागी, मैं पूरी रात जागी थी, सोई नहीं थी, तो अब सो जाते हैं वापस और मिलते हैं आपसे बाद में। पैर फैला लिए हमने, अब बस सोना है।
ये शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बट कर लिया। अब मैं सीधा उठूँगी रात को, ताकि मैं सीधा खाऊँ पीऊँ और वापस सो जाऊँ। जब बस रुकेगी तब हम उठ जाएंगे और फिर हम जाएंगे थोड़ा। शिट, ये तो होना ही था। सोते सोते हो गई रात और रुक गई हमारी बस खाना खाने के लिए। तो ये लोनावला हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है और ये पूरा थोड़ा गांव जैसा एरिया लग रहा था, हाईवे में ही रुका हुआ था। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया हमारा थोड़ा सा खाना, हमने घर जैसा ही ऑर्डर किया, जैसे कि छाछ और फिर दाल फ्राई, मटरी की भाजी, फ्राइज एंड नान। तो इतना ऑर्डर किया हमने और फटाफट खाया इसको। सो फाइनली नेक्स्ट डे हो गया। मैं कल जब खाना खाने के बाद सो गई, उसके बाद सीधा सुबह उठी बैंगलोर जाने के टाइम पे, और हमने उतरते ही ऑटो की और सीधा पहुंच गए हम होटल। सिर्फ चेंज वेंज किया और निकले बाहर, खाना भी नहीं खाया, काम किया पहले उसके बाद खाना खाया और फिर हम निकल गए। ये शाम को शूटिंग कर रही हूँ मैं, जब मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि थोड़ा काम हैवी वाला था। अब हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए और जो व्यू था उस वो देख के तो मेरी पूरी टायर्डनेस निकल गई। सीरियसली बोल रही हूँ गाइस, सीरियसली इतना अच्छा तो इतना फ़ोन में भी नहीं दिख रहा होगा जितना उधर दिख रहा था मुझे। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। एयरपोर्ट का एरिया जो बैंगलोर का बनाया वो भी लाइक हेवन। तो मैं तो पूरा टाइम विंडो के बाहर शूटिंग करते रह गए, बट इतना ज़्यादा आपको दिखाऊंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं, पर जितना हो पाया उतना आपको ज़्यादा दिखाने की कोशिश की। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हम। मैं इसके पहले भी बैंगलोर आई हूँ, बट ये टर्मिनल पे हम नहीं उतरे थे। ये वाला टर्मिनल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, गोल्डन कलर का पूरा बनाया हुआ है। लास्ट टाइम मैं शायद कोई और दूसरे टर्मिनल में थी और ये वाला अलग है, शायद ये 2 या 1 क्या है मुझे अभी तक कन्फर्म है, पता नहीं, आइडिया है नहीं। बट ये टर्मिनल भी हम गलत वाले ही पहुँच गए थे, गलत इन द सेंस हम टर्मिनल 2 है जैसे आपने वीडियो में देख लिया। तो टर्मिनल 2 में पहुँचे और बट हमें बताया था टर्मिनल 2 ही गया था आने के लिए, बट हमारा फ्लाइट कर दिया था टर्मिनल 1 से डीबोर्ड। तो आप लोग बस मेरे साथ इंजॉय करो ये व्यू।
जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि हम दूसरे टर्मिनल पे थे, इसलिए हमें शटल दी गई ताकि हम लोग दूसरे टर्मिनल पे ये ड्रॉप कर दें। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये सिर्फ हमें दूसरे टर्मिनल पे ड्रॉप करने के लिए था। तो हम लोग लिफ्ट से गए फर्स्ट फ्लोर एंड वहाँ पर हमें मिली शटल। शटल से हम उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग डिबोर्डिंग के लिए। और ये डिपार्चर एरिया में हम पहुंच गए, यहाँ पे हम लोग को बोर्डिंग पास मिले और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से चेकिंग के लिए। सो हमारी फ्लाइट थी आकाशा एयर, फाइनली हमें एंट्री मिल गई 9:45 की। प्लेन हमारी 9:45 की थी, वही हमें मिली, डिले नहीं हुई इस बार। और यहाँ से हमारा हुआ बोर्डिंग। अपनी अपनी सीट्स ढूंढ के हम बैठ गए फिर। सबके आने का वेट करना है और कुछ नहीं, बस सब आ जाए तो एक बार प्लेन निकले। सो फाइनली मुझे भी देख लो, मैंने अपने आप को ज़्यादा शूट नहीं किया बट जितना पॉसिबल हुआ मेरे लिए दिखाना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा मैं इंट्रोवर्ट, थोड़ा शर्म आती है मुझे, तो जितना पॉसिबल हो उतना दिखाने की कोशिश की मैंने। इससे ज़्यादा तक क्या पता, मैं ट्राई करूँगी। बट फिर हम लोग वहाँ से प्लेन से उतरते ही मैंने शूट स्टार्ट किया और हम लोग पहुँच गए कैब पकड़ने के लिए। और हमने ली कैब और सीधा घर पे निकलने के लिए ले ली। फिर हमारी कैब चली, ये है मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज का एयरपोर्ट। इधर से निकलते ही हम पहुँच गए घर और मैंने अपना शूट को ऑलमोस्ट किया ओवर। तो मैंने यहाँ वीडियो को एंड वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ यहाँ पे कैब में बैठे बैठे मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, 3 दिन से बाहर 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 ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, आराम बिल्कुल नहीं किया। सो यहीं करते वीडियो को एंड, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, थैंक यू।